नमस्कार नमस्कार। जयदीप जी, आपका अभिनंदन है। आपका बहुत आभार हमको आपका शो में बुलाने के लिए। और पिछले 1 साल से आप लोग और आपका टीम जितना अच्छा काम कर रहा है इस पैंडेमिक का इन्वायरमेंट में, मैं एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन आपका बहुत आभार हूँ। आपका सेव द आर्टिस्ट टीम का मैं बहुत आभार हूँ। मेरा हार्दिक प्रणाम और शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। मैं अपने देखने वाले सब तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान घड़ी बहुत दुविधा वाली है। पूरी मानव जाति कोरोना की बीमारी से त्रस्त है और 1 साल के बाद भी अभी तक बहुत इसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत निराश हैं घरों में। उसी पॉजिटिविटी को, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारे लोग ही परेशान हैं, तो कलाकार भी हमारे घरों में हैं। कहीं कार्यक्रम नहीं हो रहे, कहीं ट्रैवल नहीं हो रहा, सब कुछ बंद है। तो ऐसे में हमने ये छोटी सी मुहिम चालू की जिसका नाम है सेव द आर्टिस्ट, जिसमें हम आर्टिस्ट को बुला के मीट और ग्रीट करते हैं और उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट्स पर भारतीय संस्कृति के जितने भी हमारे म्यूजिक है, डांस है, आर्ट है, क्राफ्ट है, लिटरेचर है, मीडिया है, हर तरह के लोगों को, हर तरह की महान हस्तियों को बुला के हम चुनौतियों को डिस्कस करते हैं और उसमें से कोई ना कोई कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं उसी कड़ी में। और ये आज हमारी श्रृंखला को 1 साल हो गया है। हमारा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है जिसका नाम अनंत उत्सव है। बहुत सारे कलाकार उसमें जुड़े हैं। हमने एक कलाकार से स्टार्ट किया था और हमारे पास 100 से ज्यादा कलाकार हैं और मेरे को ये बहुत प्राउड हो रहा है ये बात बताते हुए। और हम लोग हर बार एक नई श्रृंखला पे काम करते हैं। जैसे पिछली बार की हमारी श्रृंखला थी सेव द लिगेसी, तो उसी में आज हमारी जो श्रृंखला है वो है सेव द इंस्ट्रूमेंट्स। और हमारे साथ आज बहुत ही विख्यात सरोद वादक कहूँ या सुर श्रृंगार वादक कहूँ या राधिका मोहन वीणा, तीन तीन इंस्ट्रूमेंट्स पर आप काम कर रहे हैं और रेयर इंस्ट्रूमेंट्स को उभारने में, म्यूजियम से निकाल कर उन पर काम करने में बहुत महारत हासिल है आपको। आपका औपचारिक परिचय मैं आपको दें, दूरदर्शन के एक नियमित कलाकार हैं और आईसीसीआर से एम्पैनल्ड हैं। आप सरोद सुर श्रृंगार और राधिका मोहन वीणा के परिपक्व कलाकार हैं और आपकी प्रस्तुतियों के साथ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप इनकी निरंतर सेवा भी कर रहे हैं। आप सेनिया शाहजो जहानपुर घराने से संबंधित रखते हैं जो कि 26वीं शताब्दी से जुड़ी हुई है। आपने 1987 में गुरु संगीताचार्य प्रणव कुमार ना के कुशल मार्गदर्शन में
बचपन में 4 वर्ष की उम्र से बजाना शुरू किया और बचपन से ही आपने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान ग्रहण किया। आपकी माताजी बहुत स्ट्रिक्ट थी, मैंने एक जगह पढ़ा है, और आपकी पिताजी बहुत कूल थे, तो घर में भी आपको अच्छा माहौल मिला, जो कि किसी भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि पढ़ाई और संगीत का संतुलन करना, जो कि आपने बहुत बढ़िया से किया। आपकी संगीतकारों, संगीत समीक्षकों और मीडिया द्वारा बहुत सराहना की जाती रही है। आप कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। आपके दुर्लभ और लुप्त हो चुके वाद्य यंत्रों और घरानों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और इन वाद्य यंत्रों को बेहतर ध्वनि और गुणवत्ता के साथ संग्रहालयों से बाहर लाकर आप सक्रिय रूप से उस पर कार्य कर रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ आज जय हिंद कॉलेज के बच्चे भी शामिल हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, और अर्चना मैडम का भी बहुत स्वागत है, और मैं आज उनको अपनी गुड विशेष देना चाहती हूँ। वो जल्द, और वो बच्चे क्वेश्चन नोट रखें आप अपना, बाद में सर आपका उसका आंसर भी देंगे, और हमारे आंसर्स लोग जिनका मैं सदा आभारी रहूंगी, जिसमें बाजा रेडियो ऐप है, उसके बाद हमारे कलर कैनवस पेपर है जो कि हमारा सहयोग करते हैं, इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल है, उसके बाद कोर इन्फो हमारा आईटी पार्टनर है, हमारे ग्लोबल बिहारी हैं जो कि एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, जयदीप जी अच्छी तरह जानते हैं, तो हम बिल्कुल सबके आभारी हैं। और आज हम सर आपसे सबसे पहले आपकी यात्रा, आपकी संगीत शिक्षा, आपके चैलेंजेस सब पर आपसे ही आपके विचार जानना चाहेंगे। हम आपका करबद्ध स्वागत करते हैं, कृपया आइए मंच पर। थैंक यू सुमन जी, और जितना भी बच्चे आज जय हिंद कॉलेज से आया है, मैं सभी को वेलकम करता हूं। जी हाँ, 1987 में मेरा संगीत स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ, कितना मैं करता हूँ ये मैं नहीं जानता हूँ। इसका इवैल्यूएशन शायद भगवान और ऑडियंस ही कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ अपना हिसाब से जितना भी छोटा से भी जितना छोटा सा कोशिश हो सके मैं वो करने का कोशिश करता हूँ। तो यस, 1987 से मेरा संगीत स्टार्ट हुआ। जब उस वक्त आई एम वेरी लकी कि मेरा जो गुरु थे, और वो भी गुरु है संगीताचार्य प्रणव कुमार नाहा, जो ये मेरा दादा गुरु संगीताचार्य राधिका मोहन मैत्र जी का स्टूडेंट थे। तो वो मेरा घर पे आते थे और हमको तालीम देते थे। तो 10 साल 12 साल मेरा घर आने के बाद वो हमको बोला कि आप अभी मेरा घर पे आ जाओ, और तभी से आज तक मेरा उनका अंडर ही मेरा तालीम चलता है। आई एम वेरी लकी दैट आई एम कंटिन्यूइंग द तालीम अंडर हिम फॉर द लास्ट 34 ईयर्स। एंड उसका बाद 25 साल सीखने के बाद वो हमको पंडित देवाशीष सरकार, जो मेरा दूसरा गुरु है, जो बहुत ही अच्छा तबला वादक है, उसके पास उनको भेजा तबला का तालीम को लेके। क्योंकि हमारा जो घराना है शाहजहांपुर घराना, वहां पे पार्कुशन इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत ही रोल है, बहुत ही अच्छा सा और इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि हमारा जो बोल वाद्य जो है वो पार्कुशन इंस्ट्रूमेंट से भी हम लोग बहुत कुछ इम्बाइब करते हैं। तो उनके लिए तो उसी के लिए तबला या पखवाज का थोड़ा सा ज्ञान होना अच्छा रहता है, तो इसलिए मेरा गुरु ने भेजा। तो अभी मैं इन दोनों गुरु के पास सीख रहा हूँ, और ये करते करते हमको कुछ अपना सा कुछ चीज करने के लिए हमको उत्सुकता दिया। तो हाँ, आपने सही सुना कि मेरा मम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और वो और मेरा गुरुजी एकदम जैसे कान पकड़ के हमको हमको बताते थे, और 4 से 5 घंटा घंटा का हर दिन रियाज एकदम पूरा निश्चित करते। और अगर नहीं होता तो वो एक्सपीरियंस मैं बोल नहीं सकता कि कितना
डांट पड़ता था, कभी कभी झपड़ भी पड़ते थे पीठ पे कान को। लेकिन मेरा पिताजी बहुत ही कूल थे। एक्चुअली वो बोलते थे कि अगर डांट तुम्हारा मम्मी देता है तो मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा। तो कभी कभी तो देखिए, एक लड़के के लिए शायद ये मैं ही एक्सेप्शन हूँ, क्योंकि मम्मी लोग बहुत ही प्यार देता है और पापा लोग डांटता है, और मेरे लिए वो एकदम पूरा रिवर्स हो चुका है। और अभी भी अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, कुछ भी गलत करूँ, शायद मैं ऊंची आवाज से मेरा वाइफ से भी कुछ बात कर लिया, तब भी मेरा मम्मी हमको डांटता है कि एकदम ऐसा आवाज पे बातें नहीं करना चाहिए। तो ये रहा मेरा छोटा सा बचपन का। और उसके बाद मेरा घराने का जो बहुत ही बड़ा सा लीजेंड थे आफ्टर पंडित राधिका मोहन मित्र, वो था पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता जी, जिसको मैं ताऊ जी बोलते थे। तो उनका एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट था जो हमको बहुत ही अच्छा लगा, वो है रविंद्र संगीत को ऐसे रविंद्र संगीत जैसे नहीं बजा के उसको बंदिश का हिसाब से बजाने के लिए। तो उसका वो एक्सपेरिमेंट हमको बहुत ही अच्छा लगा। और उसमें से मैं क्या किया कि कुछ बहुत उन्होंने जो रविंद्र संगीत को नहीं लिया और पॉपुलर रविंद्र संगीत को लेके, तो उस रविंद्र संगीत का भाव को लेके मैंने उस राग के ऊपर इम्प्रोवाइजेशन किया। और जो रविंद्र संगीत सुनने के लिए आपको रविंद्र संगीत लगेगा, लेकिन जब उस रविंद्र संगीत को मैंने कोशिश किया और उस रविंद्र संगीत को बंदिश क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का बंदिश का हिसाब से मैंने उसको पेश करने का कोशिश किया, तो एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं देना चाहता हूं। तो उसमें से क्या है कि एक फिलू में बहुत ही अच्छा सा रविंद्र संगीत है, आमारो पौड़ानो जहाँ चाहे, जो कहाड़वा में है, श्लोक कहाड़वा। मैंने उसको ध्रुत तीन ताल में उस बंदिश को ट्रांसफॉर्म किया हूँ। मेरा साथ तबले में संगत किया है मनोज पांडे। तो पहले आप सुनिए उस चीज को जहां पे मैंने दो लाइन इंस्ट्रूमेंट में वो उस गाने को बजाने का कोशिश किया, फिर उसका बाद उसका इंस्ट्रूमेंटल वर्शन आया। सरोद वीडियो तकनीकी कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो तो हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ी बिल्कुल चैलेंजेस तो हैं ही हैं, प्लीज कोऑपरेट बिल्कुल। करिएगा। हाँ, बेहोर बेस्तिन रात पीलू अमारो पढ़ानो जहाँ चाहे, द सॉन्ग इज इन कहरवा वाइल द ट्रांसफर बंदिश इज इन तिंता। आई एम प्लेइंग द आउचर इन राग पीलू एंड देन आई विल मूव टू द सॉन्ग वेरी वन ऑफ टू लाइन्स फॉलोड बाई द बंदिश। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल वेर टेगोर हैज स्टार्टेड द सॉन्ग विद पीलू बट इन द सेंचुरी पार्ट ही हैज मूव टू राग शहाना विदाउट चेंजिंग द मूड ऑफ द सॉन्ग। I will play the alap followed by the song.
Thank you.
जयदीप जी, बहुत मधुर संगीत था और इतना आनंद आया हम सबको. लवली, थैंक यू वेरी मच, थैंक इट वाज लवली यू। डिस्क्रिप्शन. और मैं इस बात के लिए हमेशा ही सोचती रही कि रेयर इंस्ट्रूमेंट्स पर काम करने के लिए आपने ये चैलेंज कैसे लिया, मुझे बताएं. और आपका जो घराना है उसमें आपने सुर सिंगार, रबाब, राधिका मोहन वीणा और इन सबको कैसे प्रफुल्लित किया, कैसे आप एक आर्टिस्ट एक इंस्ट्रूमेंट पे ही काम कर पाता है और आपने तीन तीन इंस्ट्रूमेंट पे काम करने के लिए कैसे चैलेंज लिया, कैसे कर पा रहे हैं और क्यों कर रहे देखिए, हैं? सबसे नंबर वन रीजन है कि ये नेक काम करने के लिए जो गुरु हमको शिक्षा दिया है, और जो गुरु हमको शिक्षा दिया है और दे रहा है, उसका आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद को छोड़ के कुछ नहीं हो सकता है। शायद अगर कुछ अच्छा करने का कोशिश करता हूं तो हो सकता है कि दादा गुरु का भी आशीष मिल सकता है। अब देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट जो हमारे घराना का जो क्रक्स है, उस इंस्ट्रूमेंट जो एकदम विलुप्त हो चुका है, तो उसका बहुत सारे रीजंस भी है उस विलुप्त होने के लिए। बताइए प्लीज, सारे रीजन हमारे दर्शकों को बताइए ताकि उनको समझ में आए कि हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, उसका संगीत हो चाहे हेरिटेज हो, वो क्यों विलुप्त होता जा रहा है, क्या कारण है और कैसे हम उसको सहेज सकते हैं. कृपया देखिए सूक्ष्मता के साथ बताइए. देखिए, कुछ रीजंस जो मेरा हिसाब से मैं फॉर्मुलेट किया हूं, तो एक तो है कि इंस्ट्रूमेंट ऑब्सोलीट होता है। उसका मेन रीजन है कि वो अपना कॉन्टेम्पोररी से बने नहीं रह पाते। मतलब आप सोचिए कि अभी हम लोग सरोद का जमाने में रह रहे हैं, तो हम रबाब जो सरोद का एंसेस्टर है, उस रबाब को सुनू क्यों? व्हाई विल आई लिसन टू रबाब व्हेन वी हैव द मोस्ट मोर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट सरोद इन आवर हैंड? तो रबाब पे वो टोनल क्वालिटी होना चाहिए जो अभी का जो ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। देखिए, ये सरोद, सितार, गिटार, वायलिन, अब जो भी चीज बोलिए, अभी का जो म्यूजिक आप सुन रहे हैं, तो आज से 50 साल पहले, 50 साल पहले से अभी का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका टोनल क्वालिटी और साउंड क्वालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव है फॉर द करेंट ऑडियंस। और जहां पे करेंट ऑडियंस जाता है, म्यूजिक उस डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो रविंद्र संगीत का जो एक्सपेरिमेंट था, जो बुद्धदेव दास गुप्ता जी से इंस्पायर्ड है, तो उसका एक रीजन ऐसा है कि अगर बंदिश को मैं पॉपुलर म्यूजिक से पेश करता हूं, तो उसका एट्रैक्टिवनेस होना चाहिए। देखिए, तो मैं वही सोचा कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑब्सोलीट हो चुका है, जो अभी नहीं बज रहा है, तो एक तो रीजन है कि वो इंस्ट्रूमेंट बजाने का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरा है कि उस इंस्ट्रूमेंट उस जमाने में जब बजता था, तो उस इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला जो मेकर है, वो मेकर अभी तो नहीं है। फिर वो इंस्ट्रूमेंट जो चीज से बनता था, जो क्वालिटी ऑफ वुड से बनता वो लकड़ी, था, हाँ वो लकड़ी है, लकड़ी लकड़ी, जो जो लकड़ी मौजूद था, नहीं. फिर वो जो आइवरी थे, जो हाथी का जो दांत थे, तो अभी तो उस चीज तो मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो अगर हाँ, आपका वो एनवायरनमेंट को हम बचा नहीं पा रहे हैं, है, तो ये सब बातें. एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है उसके लिए. एनवायरमेंट भी बहुत सारे रीजन है। जैसे पहले बारमटी, महगनी बहुत आसानी से मिल जाता था, लेकिन अभी वो सब लकड़ियां मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मिलता भी है तो लकड़ियां उसका मिलना भी मुश्किल है और उसको बनाने वाले भी तो मास्टर्स मास्टर्स क्राफ्टमैन होना विलुप्त होते चाहिए, जा रहे हैं ना, ये विलुप्त भी होते बात जा है ना. रहे। विलुप्त फिर होने का मैं कारण ही है कि हम उसको सहेज नहीं रहे हैं, हमें उसको सहेजना पड़ेगा.
राइट। और नेक्स्ट रीजन है कि उस चीज को सिखाने वाला गुरु भी होना चाहिए आजकल का जमाने में। आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट अ वेरी लर्नेड एंड विजडम गुरु हु हैव शोड मी द पाथ और हु इज शोइंग मी द पाथ। तो गुरु होना चाहिए और शिष्य को भी उस पे कंसंट्रेशन देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 साल में कुछ हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं चाहता हूं कि जो इंस्ट्रूमेंट को पहले का जो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी इंस्ट्रूमेंट को मैं अगर मैं लाना चाहता हूं, तो उसको वो टोनल क्वालिटी माइक लगा के उसका साउंड क्वालिटी अभी का जमाने के लिए उसको कॉन्टेम्पोरेरी करना चाहिए। पहले का जमाने में आदमी लोग अगर कोई कोई सरोद सीखना चाहते थे तो पहले उसको सुर श्रृंगार में आलाप बजाना पड़ता था। सुर श्रृंगार के आलाप जोड़ जब खत्म हुआ तब वो सरोद में गत बजाते थे। लेकिन 1930s और 40s में तीन आदमी का नाम मैं लूंगा हु हैड प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न डे सरोद। जो आजकल आज जो सरोद बज रहा है तो उसको मॉडर्नाइज तीन आदमी ने किया है। नंबर वन वॉज बाबा अलाउद्दीन खान साहब, द सेकेंड वॉज उस्ताद हाफिज अली खान साहब, एंड नंबर थ्री वॉज माई दादा गुरु राधिका मोहन मैत्र। जो सरोद में भी अलाप जोड़ अगर बजे तो वो सुनने अच्छा लगे, तो ये तीन आर्टिस्ट इसको ध्यान दिया। ठीक है, तो अगर देखिए तो दो इंस्ट्रूमेंट लेके ट्रेवल करना भी बहुत ही मुश्किल है, सुर सिंगर और सरोद लेके। तो उसमें अगर सुर सिंगर में तो आप ये जोड़ गत्ता बजा नहीं पाओगे, तो जो आपका साथ परकुशन रहेगा तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट तो होगा नहीं। तो सरोद को डेवलप किया और सरोद ऐसा कॉन्टेम्पोररी फ्रॉम 1940s ऑनवर्ड 40-50s ऑनवर्ड्स सुर सिंगर हैज टेकन अ बैक सीट एंड सरोद हैज टेकन अ वेरी फ्रंट सीट लेड बाय थ्री म्यूजिशियंस। एंड आफ्टर दैट वी हैड मेनी मोर ग्रेट परफॉर्मर्स लाइक अली अकबर खान साहब, अमजद अली खान साहब एंड अ लॉट ऑफ परफॉर्मर। अगर आप 1920s या 1930s का सरोद सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये रबाब का ही एक वर्षन है। 1920s और 30s का जो सरोद है और जो 1960s 70s का जो सरोद है और अभी का जो सरोद है, अगर आप उसका साउंड सुने और टोनल क्वालिटी सुने, बहुत ही बहुत ही बहुत ही डिफरेंट है। तो अच्छा हमको हमको मॉडर्न करना पड़ा। तो अभी हम जब ये सुर श्रृंगार को लेके आया है, मैं अभी उसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, तो उसका भी एक एक बहुत ही अच्छा सा हिस्ट्री है और उसका जो आलाप जैसे बजता है तो उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना पड़ा। क्योंकि सुर श्रृंगार में ट्रेडिशनली सुर श्रृंगार में जो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स होता है वो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स नहीं रहता है, तो मैंने उसमें सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स डाला। जो स्टील का स्ट्रिंग्स होता है उसमें से मैंने 50% स्टील और 50% ब्रोंज का स्ट्रिंग्स लगाया। जो 18.5 इंची का जो तबली होता है उसका साइज 2 इंच कम किया और मैं फिर उसको अपना हिसाब से बजाने का कोशिश करता हूँ। तो पहले बहुत आप यूनिक चीज उसका है, ये तो सुनने में भी नहीं मिलेगा। इट्स वेरी रेयर टू रेयरेस्ट एंड हमारे। और सुशीलर का आर्टिस्ट अभी बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम है सारे आप दुनिया बहुत में। चैलेंजिंग काम कर रहे हैं, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, प्लीज कीप योर ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस। बिल्कुल। एंड जयंत जी, कैन यू जस्ट टेल मी मोर अबाउट योर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रविंद्र संगीत इनटू बंदिश? सॉरी, कैन यू टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रविंद्र संगीत इनटू योर बंदिश? सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उस रविंद्र संगीत को ही लिया जो कि बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने तकरीबन 2,500 सॉन्ग्स कंपोज किए थे, जिसमें से शायद 100 या 150 सॉन्ग्स बहुत ही पॉपुलर है। तो मैं उस पॉपुलर सॉन्ग्स को लिया हूँ, सम
40 odd songs. First of all, I have started with only one song, and then I moved to the second song, and then I moved to third song. तो इस एक song को लेके मैं एक हफ्ता उसको अच्छी तरह से सुना, बहुत ही. आप गाते भी हैं? आप गाते भी हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको सुना. हेमंत कुमार मुखर्जी, सुचित्रा मित्रा, संध्या मुखर्जी, जितना भी रविंद्र संगीत को जो 1950s, 1960s, 1970s में जो जो गाया प्रॉपर रविंद्र संगीत को, उसको मैं सुना. फिर देखा कि वो कौन सा राग के ऊपर आता है, फिर उस राग का जो मेन चलन होता है, जो उसका पकड़ होता है, तो मैं उस पकड़ को लेके सोचा कि ऐसा बंदिश मैं कैसे बना पाऊं. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को लेके एक गाना हमको 2-3 महीना लगा उसको उसको बंदिश करने के लिए. एक बार वो एक दो एक डेढ़ साल में मैं जब 4-5 बंदिश हो गया, तब उसका बाद एक एक बंदिश एक एक हफ्ता में, फिर एक एक बंदिश एक एक दिन में होने लगा. फिर उसको तबले का साथ बैठ के, उसको कुछ दोस्त को सुना के, मेरा पेरेंट्स से फीडबैक लेके, वाइफ से फीडबैक लेके, और जो मेड जो मेरा घर पे जो काम करता है उसको भी सुनाया, क्योंकि उन लोग को अच्छा लगना चाहिए, है ना, क्योंकि ये पॉपुलर म्यूजिक से कन्वर्शन हो रहा है क्लासिकल म्यूजिक. तो अगर क्लासिकल तो ऑडियंस को लेके ही हमको चलना पड़ेगा. तो ऑडियंस के बिना तो कुछ भी नहीं है. हमारे देखने वाले देखिए कितने सुंदर फीडबैक्स दे रहे हैं. सुचरिता मैडम लिख रही हैं, यू आर डूइंग ए ग्रेट वर्क सर. और अभी राजेश चोपड़ा जी ने भी लिखा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने पसंद किया, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ. लकी के बुद्धदेव दासगुप्ता का, दासगुप्ता जी का कुछ काम मेरे पास था, जो अभी आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू थिंक ऑन द सिमिलर लाइन्स. तो मैं तो उससे सीखा नहीं, तो मैं कॉम्प्लीटली अपना हिसाब से किया उसका काम को देख के. तो अभी तक जिन्होंने सुना है, तो मैंने शायद ये 60 to 70 सॉन्ग्स को लिया था, लेकिन उसमें से 40 सॉन्ग्स को मैंने बना चुका हूँ. ठीक है तो सर. हम लोग बोल रहे थे आपके ये नेक्स्ट कंपोजिशन पे आए, सुर सिंगार में, सुर सिंगार को आपके द्वारा जो सुर सिंगार है उसका आनंद लें, आपकी अगर आज्ञा हो तो. या बिल्कुल, सुर सिंगार का थोड़ा सा हिस्ट्री और उसका आलाप. बिल्कुल, कृपया मैं अपनी टीम को बोलूंगी कि हम लोग. नमस्कार, बहुत ही रेयर इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सुरसिंगार, जो लेट 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ था. ये सिमिया रबाब से इसको इसका डेवलपमेंट हुआ था, जो उस्ताद जफर खान, प्यार खान और बसंत खान ये तीनों इंस्ट्रूमेंटल थे इसको डेवलपमेंट करने के लिए. तो एक स्टोरी है जो उस्ताद जफर खान, जो तानसेज का वंशज थे, उसका नाम भी जाता है कि उस्ताद जफर खान बहुत ही बड़ा रवैया थे लेट 18th सेंचुरी में. एक बार वो और उसका एक रिलेटिव तानसेन का डॉटर का साइड से निर्मल शाह, दोनों बनारस का राजदरबार भी है जा रहे थे, और वो जून का महीना था. तो निर्मल शाह जी रुद्रवीणा बजाते थे और निर्मल जफर खान साहब रबाब बजाते थे. तो हुआ क्या कि जून का महीना यानी मानसून का महीना था, तो रबाब का जो चमड़ा थे उस चमड़े का टेंशन कम हो गया, और उसका जो स्ट्रिंग्स थे वो भी तंत्री का हुआ करता था, उसका भी टेंशन खराब हो गया. तो रुद्रवीणा का सामने उस रबाब का इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा ढीला पड़ गया. तो
उस्ताद जफर खान साहब ने बनारस का महाराजा को बोला कि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए कुछ महीने का, तो वो सीनियर रवाब से एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट बना के वो दे सकते थे। तब उन्होंने रवाब का जो तबली था उससे चमड़ा हटाया, तबली को ये गोड़ का गोड़ से रिप्लेस किया, तबली के ऊपर जो चमड़े थे चमड़े को हटा के उसके ऊपर लकड़ी लगाया, लकड़ी का जो प्लेट था उस प्लेट को हटा के स्टील का प्लेट लगाया, और फिर जो इंस्ट्रूमेंट बनाया उसका नाम है ये सुरसिंगार। ये सुरसिंगार उसका बाद 150 साल तक पूरा इंडिया पे राज किया, बट सरोद का डेवलपमेंट होने का बाद, जो सरोद भी सीनियर रवाब से डेवलपमेंट हुआ था, तो सरोद का डेवलपमेंट होने का बाद ये इंस्ट्रूमेंट स्टेट ऑफ ओब्लिवियन में चला गया। तो मैंने अपना हिसाब से इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ कि इस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिशनल सुरसिंगार में तरफ नहीं होते थे, तो मैंने यहाँ पे तरफ लगाया। इस इंस्ट्रूमेंट का जो तबली है वो बहुत ही बड़ा होता था, उसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया, ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स है, जो स्ट्रिंग्स स्टील का होता था, तो मैंने वहाँ पे जर्मन स्ट्रिंग्स लगाया कुछ, और कुछ ब्रोंज का स्ट्रिंग लगाया। तो अभी तो मैं इस पर आलाप बजाऊंगा थोड़ा सा राग छाया का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इन द डेज टू कम आई लाइक टू प्ले द ध्रुपद धमाल बंदिशेस ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली द गत पोर्शन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम अलाप एंड जोर। तो मैं छोटा करके राग छाया के ऊपर सुरसिंगार में अलाप बजाने का कोशिश कर रहा हूँ।
Thank you.
बहुत ही खूबसूरत, आशा है आप सबको बहुत पसंद आ रहा है। जयदीप जी, बहुत ही मधुर हैं आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम थोड़ा सा इंटरेक्शन की तरफ जाएंगे और हमारे कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन करेंगे। हेलो, आशा करती हूँ आप सब लुत्फ उठा रहे हैं अच्छे म्यूजिक का। जयदीप जी इतना मधुर बजा रहे हैं, सुर सिंगार। हेलो हेलो, कैन यू हियर यस मी? मैम, यस, कैसा लगा आपको? आपका अच्छा नाम, आप कहाँ से हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर लगा। से। मैं स्टैनली फर्नांडिस हूँ, जहीन कॉलेज से, और मुंबई में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पूछें गुरुजी से। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो ज़्यादा कुछ समझ मतलब समझता नहीं है क्लासिकल म्यूजिक पे। तो भी मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि बिगनर्स को कैसे मतलब बिगनर्स ने कैसे चालू करने का सीखने का क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा है ना, आपको नॉलेज नहीं है तो आप जुड़े हैं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा आज से। क्लासिकल म्यूजिक को एक्सपोज करना ही हमारा काम है यूथ को। यस सर, आपने क्वेश्चन सुना? जयंत सर, फिर से एक बार पूछिए आप सर, हाउ शुड ए बिगनर्स स्टार्ट टू रन क्लासिकल म्यूजिक। हमको। द बिगिनर्स वुड लर्न द क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन द फील्ड। देखिए, मेरा पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, दोस हु आर 5 इयर्स ओल्ड, 4 इयर्स ओल्ड, 11 इयर्स ओल्ड। सो द फर्स्ट वे is to make them so interested into the music. जब मैं छोटे था तब मेरा पिताजी हमको बोलते थे कि देखो ये जो तुम्हारा स्रोत है, यहाँ से देखो कितना अच्छा आवाज निकलता है और कितना डिफरेंट टाइप्स का आवाज निकलते हैं। तो ऐसा किड जब मैं 4 साल का था, उस वो चीज देख के हमको बहुत ही इंटरेस्ट लगा, है ना, कि एक ही इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से अलग अलग साउंड आ रहा है। तो ऐसे करके मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया। ऐसे तरफ से बिकॉज और द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जब मैं बजना स्टार्ट किया, उसका बाद 20 साल 20 साल तक मेरा गुरु ने हमको किसी का बाजन सुनने नहीं दिया। 24 साल तक मैं किसी का एक भी बाजन नहीं सुना, व्हाटएवर बी द हुएवर बी द स्टॉलर, क्योंकि मेरा गुरु का ये मानना था कि अगर आप किसी का म्यूजिक सुनोगे तो उसका म्यूजिक का इम्पैक्ट आपको ऊपर 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 आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज एन एक्सपीरियंस पर्सन एंड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्ट्रिक्टली। ओके जी जी सर, धन्यवाद आपके दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने का। और इसी के साथ हम आपको पूछना चाहते हैं कि अब इतना खूबसूरत आपने आज हमें ये वादन का एहसास दिलाया और इतनी खूबसूरत इसकी इसका एहसास रहा है और इसका एक्सपीरियंस रहा है हमें, तो हाँ इसके साथ हम पूछना चाहेंगे कि आपको आपके जो दादा गुरु है उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट की रचना की है, जिस जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इन्वेंट किया है जिसको कहते हैं राधिका मोहन वीणा, तो ये इसका हिस्ट्री हम आपसे थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। और जी अच्छा, उन्होंने तीन तीन इंस्ट्रूमेंट का प्रचलन किया था। एक था मोहनवीणा, दूसरा दिलवाहार और तीसरा नवोदीपा।
तो पहले वाला इंस्ट्रूमेंट 1948 में बनाए थे, दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट वो 1956 में बनाए थे दिलबहाड़, जो सितार और सरोद का मिक्स है, और तीसरा इंस्ट्रूमेंट 1960s में बनाए थे जो इसराज और सुरसिंगार का मिक्स है, जिसको नवदीपा बोलते थे। तो उसमें से जो सबसे सेलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, इट वाज मोहन वीणा, विच आई नाउ कॉल्ड एज राधिका मोहन वीणा। तो उसका हिस्ट्री आप सुनिए, मैं आपको ये वीडियो में है तो, और उसका एक रीजन भी है, उनको उनको लगा था कि सुर श्रृंगार ज्यादा से ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो अगर सरोद वादक ने सुर श्रृंगार का बाज अगर सरोद में बजाना चाहते हैं, तो वो उसको कैसे बजाना जाए, ठीक है? तो उस हिसाब से उन्होंने सुर श्रृंगार का राधिका मोहन मोहन वीणा का चयन किया था। अब उसका वीडियोस चलाइए। जी सर, जी थैंक यू सर हमारे प्रश्नों के उत्तर देने का। और अब हम आपके आपसे थोड़ा सा मोहन राधिका मोहन वीणा का वादन सुनेंगे और इसकी थोड़ी सी परिभाषा हम जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सृजन ने मेरा दादा गुरु संगीताचार्य पंडित राधिका मोहन मैत्री जी ने किया था सन 1948 में। 1943 में एक कॉन्सर्ट में लखनऊ में उन्होंने सुर श्रृंगार में उस्ताद सादिक अली खान साहब, जो कि रुद्र वीणा पे थे, एक जुगलबंदी कॉन्सर्ट किए थे। उसका बाद उसको लगा कि सुरसिंगार जैसे बहुत ही कठिन इंस्ट्रूमेंट आने वाले काल में शायद उतना पॉपुलर नहीं होगा, तो सुरसिंगार का जो बाज है, अगर वो कोई सरोद वादक अपना इंस्ट्रूमेंट में डेवलप करना स्टार्ट करे तो कैसा होगा। तो उन्होंने एक ब्रिज इंस्ट्रूमेंट का सोचने लगा, जो सरोद और सुरसिंगार का बीच का कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हो, जिसमें सुरसिंगार जैसी वो भारी आवाज भी हो, सरोद जैसे मीठापन भी हो, जहां पे वीन अंक का बाज भी कोई दिखा सके। तो 5 साल बाद सोचने का बाद उन्होंने 1948 में एक इंस्ट्रूमेंट का डेवलप किया था, जो उस वक्त बहुत ही मशहूर इंस्ट्रूमेंट मेकर दुर्गा चरण शर्मा ने बनाई थी कलकत्ता का। इंस्ट्रूमेंट का एमलगमेशन है, सरोद सॉरी वीणा, सरोद और सुरबहार या सुरसिंगार, जहां पे सुरबहार का जो तबली है या सुरसिंगार का जो तबली है, उसको बहुत ही मिनिमाइज कर दिए थे, जाकि वो सरोद वादक बजा सके। और सरोद का प्लेटिंग होने रखा, फिंगरिंग का अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो, और इसका जो टोनल क्वालिटी वो वीणा जैसा था। तो 1948 में ये इंस्ट्रूमेंट को देखकर 1949 में उस वक्त का जो ऑल इंडिया का रेडियो चीफ प्रोड्यूसर थे ठाकुर जयदेव सिंह, इस इंस्ट्रूमेंट को आकाशवाणी ने रजिस्टर किया और उन्हीं का नाम से इस इंस्ट्रूमेंट का नामकरण किया, जिसको मैं अभी सभी का प्रचार के लिए और कोई कंफ्यूजन नहीं रखने के लिए राधिका मोहन वीणा बोलता हूँ। तो 1949 से 1981 तक उन्होंने बहुत सारे ऑल इंडिया रेडियो का रिकॉर्डिंग्स और ऑल इंडिया रेडियो का नेशनल प्रोग्राम्स, तकरीबन 22 या 28 नेशनल प्रोग्राम में इस इंस्ट्रूमेंट उन्होंने परफॉर्म किया,
जो अभी ऑल इंडिया रेडियो का आर्काइव्स में उपलब्ध है और आप यूट्यूब में भी वो इंस्ट्रूमेंट सुन सकते हैं विद अनाउंसमेंट। लेकिन 1981 का बाद जब उनका निधन हो गया उसका बाद इस इंस्ट्रूमेंट उतना पॉपुलर नहीं रहा। तो मैं अपना गुरुजी संगीताचार्य पंडित कुमार नाहा का परमिशन लेके उस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा अपना हिसाब से बजाने का कोशिश करता हूँ। मैं अभी जो चीज आपका सामने पेश करूंगा एक आवचर आला और छोटा करके जोड़ झाला जो मैं राग गोड़ी में पेश करूंगा। राग गोड़ी का दो वर्षन है, एक पूर्वी थाट का और एक Thank you.
Thank you.
वाह, उदय शंकर जी लिख रहे हैं, वाह वाह अद्भुत, बिल्कुल सच बात है। बहुत ही अद्भुत था आज का जो कार्यक्रम है। और जयदेव मुखर्जी जी, आप जो सेव द इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं उसमें भक्त ईश्वर करे आपको बहुत सफलता मिले। और इसको बचाने के लिए हमें खुद भी अग्रसर होना होगा। हाँ बोलिए। हमें भी अग्रसर होना होगा, जैसे इनको बचाने के लिए क्या कारण है, आयोजकों से समर्थन का अभाव रहता है ज्यादातर लोक संगीत में, सरोद सितार शास्त्रीय गिटार वायलिन संतूर जैसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों पर ध्यान देते हैं और दुर्लभ कारणों उपकरणों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। इससे इन साधनों को सीखने के लिए नई पीढ़ी की भी अनिच्छा रहती है। तो हम अपनी नई पीढ़ी को बोलेंगे कि आप भी इसकी तरफ अग्रसर हो और नए नए जैसे राधिका मोहन वीणा है आपकी और सुर सिंगार, बच्चों को नाम तक भी नहीं पता होते ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पे जिन पे आप सालों साल साधना कर रहे हैं, इतनी मेहनत इतना टाइम दे रहे हैं, उसके लिए हमारा आपको सलाम है। सेव द आर्टिस्ट की पूरी टीम की तरफ से हम दिल से स्वागत और धन्यवाद आपका करते हैं कि आपने इतना समय निकाला। और हमारे साथ एक स्टूडेंट है अवंतिका। हाय अवंतिका, नमस्ते अवंतिका, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई होप यू एंजॉयड द म्यूजिक। यस यस अ लॉट। यू कैन कट शॉर्ट एनीथिंग एंड समथिंग यू कैन से टू वर्ड्स बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी गेटिंग अहेड द टाइम इज Yeah, you please carry on. Say how you felt. It was really nice. It was very good, actually. After a very long time, I was able to hear a new instrument. That also, you have done your own uniqueness to it. So I'm like, wow, it's really nice. Thank you for joining. And thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Sucharita madam. Thank you, everyone who has joined today and given us support. Keep supporting us and please stay safe. आप बिल्कुल घरों में रहें और उदास ना हो, अच्छा समय जल्दी ही आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।